सत श्री अकाल जी। चैनल तड़का तुड़का विच तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज आपां बनावांगे जी हारे विच दाल। हारे दी दाल किवें बनदी आ, किन्ना पाणी पाउणा, आपां किस तरीके नाल नाप के पाणी पाया जांदा, किहड़े किहड़े आपां बर्तन वरत सकदे आ, मैं तुहानूं पूरी डिटेल दे विच समझाउण दी कोशिश करूंगी। क्योंकि काफ़ी टाइम तो मेरी एक भैण दा कमेंट आ रहा सी, जो बार बार पूछ रहे सी वी सानूं हारे बारे पूरी डिटेल दे विच वीडियो बना के दिओ। सो आपां हाजर हाँ जी। ये मेरे कोले बणिया होया सी पक्का हारा, इहदे विच आपां मिट्टी लाई होई आ, क्योंकि हारे का साइज से जोड़ा बड़ा सी। जे तुसी पक्का इदा बना लिया तो फिर जरूरी नहीं भी तुसी मिट्टी लाउणी है। किन्ना डूंगा मैं तुहानू दस दिनी हां, 1.5 गिट का है। तो जे थोड़े कोले इदा का हारा नहीं हैगा तो तुसी धरती दे विच गोल प्रांत वगैरह रख के टोआ भी पट सकते हो। 2 गिट डूंगा तो उहदे चों सारी मिट्टी बाहर कढ देनी है, फिर हारा बन जूगा। तो इदा के हारे बने हुए भी बाजार दे विच मिल जाते हैं बहुत आसानी नाल। शॉप्स बनिया हुई होंदियां ने कुम्हारां दीआं, उह तों आपां खरीद सकते हैं। तो यह हैगा जी चापड़। मालवे दे विच इहनूं चापड़ बोलिया जांदा। इहदे नाल आपां हारे नूं ढकदे हां, जदों आपां दाल रखी हुई हुंदी आ फिर सेक आ जिहड़ा दाल नूं प्रोपर लगदा बहुत छेती, घट सेकती दाल अपनी पक के तैयार हो जाती है। तो जिहड़ियां गलियां बनिया हुंदियां ने इहदे विचों दी धुआं निकल जांदा। हारे नूं मैं पोचा देता चंगी तरह। सिल दा मौसम है जी, बारिश दा, सो ये ज़्यादा छेती नहीं सुकदा, इस करके मैनू काफ़ी दिन लग गए वीडियो बनाउंदिया, क्योंकि मौसम खराब हो जाता, नहीं मेरे तो वीडियो रिकॉर्ड होंदी सी। कल भी आपां सोचिया सी वी हारे च आपां दाल बनावांगे, पर मौसम अचानक खराब हो गया। लो जी, सब तो पहलां आपां पावांगे हारे दे विच गोहे। इह मैं पाथियां लईआं ने, जदों इन्हां नूं भन्न लैंदे आ तां मालवे च इहनूं गोहे बोलिया जांदा, इंग्लिश च इहनूं डंके बोलदे ने, ते हिंदी दे विच मेरा ख्याल इहनूं उपले वी कहा जांदा। इहनूं आपां कोई चिणके नहीं पाउणा हुंदा वी कोई तरतीब बार आपां पाउणा, इदां ही आपां हारे दे विच गोहिआं नूं सुट देणा। जे तुसीं चिणके पाओगे तां फिर इह कदे वी तुहाडे तों सही नहीं पैणे। ते जदों आपां थल्ले जे सुट देणे ने, उस तों बाद आपां इहदी इक शेप जी दे देणी आ, जो वी आपां बर्तन रखांगे, तां कि उह टेढ़ा ना होवे, बराबर टिक जाए। ते विचाले आपां रख्या जी इक पॉलीथीन, उपर आपां छोटे छोटे तोड़ के रख देंगे गोहे। पॉलीथीन नूं जदों आपां अग ला देंगे तां गोहिआं नूं वी अग पऊगी, बहुत छेती हारे दे विच जिहड़ी अग भख जांदी आ। बहुत सौखा तरीका इह हारे दे विच अग पाउण दा। भखण दा मतलब हुंदा जदों धुआं उठना शुरू हो जाए। लो जी, अग आपां बालती आ, पॉलीथीन नूं आपां अग लाती सी, ते अपना हारा भखदा, उपर आपां इहदे छोटे छोटे गोहे होर रख देंगे। ते जिथे आपां नूं लगदा वी गोहे दी घाट आ, आपां उत्थे होर सुट देंगे पीस करके वड्डियां वड्डियां। इत्थे मैं 2 पाथियां पातीआं, ते आपां हारे च दाल बनावांगे जी कुजे च। साडे मालवे दे विच कुजा भी बोलिया जांदा उहनूं, जिस भांडे दे विच आपां दाल बनाउने आ। तपला भी बोलिया जांदा, मेरा ख्याल कई जगह ते उहनूं तौड़ी भी बोलिया जांदा। लो जी, अग नहीं आपां बालण देनी गोहिआं दे विच, जे अग बलदी आ तां उहनूं आपां इदां पाणी दा छिट्टा ला के बुझा देनी आ, क्योंकि जे अपने गोहे भखणे चाहीदे आ। जे इकोदम गोहे मचणगे, अग मचूगी तां उह बहुत छेती बुझ जाणगे, फिर अपनी दाल आ जिहड़ी प्रोपर पक्कणी नहीं। इक वाटी इत्थे मैं दाल दी लई आ जी, तुसी अपने परिवार के हिसाब नाल लैणी आ। वड्डी वाटी लई आ मैं, 2 घंटे पहला मैं इहनूं भिओं के रखता सी। जे तुहाडे कोले टाइम आ तां भिओं दिओ, नहीं तुसी उसे टाइम भी धो के दाल पा सकदे हो। हारे दे विच फिर भी दाल बहुत छेती बन जांदी आ। इहनूं मैं 3-4 पाणियां दे नाल चंगी तरह धो लिया। ते इत्थे आपां पाणी किन्ना पाउणा, पाणी आपां पाउणा जी 1/3 हिस्सा, दली हुई दाल दा पाणी 1/3 हिस्सा पाउंदा पैंदा। जिवें छोले वगैरह ने दले हुए वह ज़्यादा पानी खाते हैं, उन्हां च आपां 4 हिस्से पाउणे आ। इत्थे मैं 1 वाटी दाल दी पाई सी, 3 वाटियां मैं पानी दीआं पाईआं ने, उही वाटियां मिण के जिहदे नाल आपां दाल मिणी सी। ते बाकी जे लोड़ पई आपां गर्म करके पानी पाउणा। ते नाल ही इत्थे मैं 1 चमचा देसी घिओ दा पाता सी, लूण मिर्च हल्दी पाती सी, जिहदे बिना बिल्कुल भी नहीं सरदा। ते इत्थे लई आ जी मैं लसण, ते 2 वड्डे लए ने प्याज, काफ़ी सारा लसण लिया मैं। इहनां नूं मैं छिल लिया, धो लिया, ते इहनूं आपां कट दांगे। इधर आपां हारे च दाल भी चैक कर लैंदे आ। लो जी, दाल च अपनी रिझणी शुरू हो गई, ते धुआं तकरीबन 1/2 निकल गया। हुण आपां इहनूं ढकांगे चापड़ दे नाल, जिहड़ा रहिंदा धुआं उह चापड़ दे विच्चों बाहर आ जूगा। लसण आपां कट ली जी, मोटा मोटा प्याज कट्टिया। हारे वाली दाल दे विच कोई बहुता बरीक मसाला कट के पाउण दी लोड़ नहीं हुंदी, वी प्याज नूं ज़्यादा बरीक कट्टणा, लसण नूं तुसीं मोटा मोटा कट के पा सकदे हो। कोई आपां दाल नूं तड़का नहीं लाउंदे, फिर भी दाल आ जिहड़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बणदी आ। जे तुसीं अज तक कुकरां च दाल बनाउंदे आए हो तां इक वारी इस तरीके नाल जरूर बना के देखियो, तुसीं उंगलां चट्टदे रहि जाओगे। इहो जी स्वाद दाल तुसीं कदे नहीं खाधी होणी। तुसीं चाहो तां तड़का ला के भी पा सकदे हो। इत्थे मैं 2 प्याज लए सी, ते 4-5 मैं हरियां मिर्चां लईआं ने, तुसीं लूण मिर्च अपने हिसाब नाल पा सकदे हो। मैं तुहानूं दिखाउणी आ वी आपां लसण किन्ने कु साइज़ दी कट्टी आ। इदां आपां बरीक बरीक लसण कट लैणी आ, कोई बहुती बरीक नहीं कट्टी मैं। ते लो जी, आपां इहनूं हारे च अपनी दाल रिझ रही आ उहदे विच ही पा देंगे।
एक बार तुसी इस तरीके नाल बना के देखियो, बिल्कुल भी कच्चे प्याज जां कच्ची लसन की वाशना नहीं आती, ना ही स्वाद आता कच्चा कच्चा। तुसी सोचोगे भी इन्नी वधिया स्वाद दाल इन्ने सिंपल तरीके नाल बन जाती है, कोई आपां इहदे च मसाला नहीं पाउणा, कुछ नहीं पाउणा, ईवन आपां जीरा भी नहीं पाउंदे, कोई तड़का नहीं लाउंदे, फिर भी दाल बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। तो इहनूं आपां दुबार तो ढक दांगे जी तां कि दाल नूं प्रोपर सेक लगे। इत्थे आपां कड़छी बिल्कुल भी नहीं मारनी। ये लए ने मैं कुछ पालक के पत्ते तो कुछ मैं चलाई ली है, इन्हू मैं चंगी तरह धो लूँगी। ये छोटी चलाई है, जे थोड़े को हैगी है तो जरूर पायो, ये दाल बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है तो बहुत ज़्यादा हैल्दी बनती है, चंगी होंगी अजकल जिनी आप चलाई खा सकी, जड़िया जड़िया बूटियां सानू कुदरत ने दित्तियां ने, रुत्त के हिसाब न ही दित्तियां ने, जिहड़ी रुत्त च बनिया ने उसी रुत्त च खानियां चाहीदियां ने। लो जी इत्थे चापड़ मेरा गर्म हो गया, मालवे दे विच इहनू चापड़ बोलिया जाता, मैनू नहीं पता किसी होर इलाके च की कहिंदे ने। मैं तुहानू दस्सिया सी वी दाल दे विच कड़छी नहीं मारनी, जदों तक थोड़ी दाल चंगी तरह रल नहीं जाती, घुल नहीं जाती, उदों तक तुसीं कड़छी नहीं मारनी। मैं इत्थे भी कड़छी नहीं मारदी, नहीं तां तुहाडी दाल नहीं पकनी। तो इत्थे एक कई थावां ते लोकां ने वहम पालिया होया वी थोड़ी जी दाल नूं नंगी रखो जी, इहदे च धुएं दा स्वाद चलिया जावे, नहीं जी बिल्कुल भी तुसीं नंगी नहीं रखनी। इहदे विच रोम हुंदे ने मिट्टी दे भांडे दे विच बने हुए, जिन्ने कि इहनूं धुएं दी लोड़ है इहने आपे चले जाणा, सो इहनूं बिल्कुल भी तुसीं नंगा नहीं रखना, इहनूं कवर करके बनायो। नंगा रख के बनाओगे तां इहने प्रोपर पकना नहीं, ते बाकी इहदे विच धुएं दे तुपके चले जाणे ने, वह भी नहीं जाने चाहिए, फिर थोड़ी दाल आ जी स्वाद नहीं बननी, वह वहम ना पालिया करो। बस सिर्फ ये कड़छी नहीं मारनी होंगी उदों तक अपनी, जदों तक अपनी दाल नहीं पकती, चंगी तरह इनू ढक के बनाओ। तो हारे च बनी हुई दाल बहुत ज़्यादा हैल्दी होंगी है। तो आप इतने भांडा किहोजा लेना, इनू बीकानेर वाली तौड़ी बोलिया जाता, मेरा ख्याल इनू 2 साल हो गए, इनू कोई ल्यो वगैरह लाने की लड़ नहीं होंगी। ल्यो का मतलब होंगे भी थले कोई मिट्टी वगैरह लाने की लड़ नहीं पैंती, जे तुसी सिंपल पंजाब वाले कुजे लैने हो जिहड़े अपने पंजाब च बनते हैं घुमियारा के, तां उहदे ते थोनू मिट्टी लाने की लड़ पै जाती है। मैनू ये 2 साल हो गए वरतदी नूं, आपां सीधा इहनू चुल्हे ते भी रख लैने आ, मैं तुहानू कदे ओह कुकिंग करके भी दिखाऊंगी चुल्हे ते कुजा रख के आपां किद्दां बणाउने। आपां कढ़ी वगैरह सीधी चुल्हे ते भी बना लईदी आ, तड़का भी ला लईदा, इह बिल्कुल भी टुटदा नहीं हैगा। जिहड़े बीकानेर वाले आउंदे ने, उदों मेरा ख्याल इह मैं 100 रुपए का लिया सी 2 साल पहलां, हुण मैनू नहीं पता। लो जी दाल अपनी बिल्कुल चंगी तरह पक गई, अद्धा घंटा हो गया सी मैनू प्याज लसन वगैरह भी पाया होया, ते हुण आपां इहनू उतार लांगे। तुसीं संघनी पतली अपने हिसाब नाल रख सकदे हो, मेरा ख्याल इह दली हुई दाल सिर्फ 1 घंटे दे विच ही बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा हैल्दी दाल बनती है। तुसीं एक बारी जरूर बना के देखियो, ते जे थोड़े कोले नहीं हैगे गोहे तां तुसीं लकड़ां पा सकदे हो, मैं तुहानूं दस्सिया, पर बिल्कुल बरीक बरीक पाउणियां ने, ज़्यादा नहीं पाउणियां, थोड़ियां ही पाउणियां ने। लो जी आपां मिलदे हां किसी होर नवी वीडियो दे नाल, उम्मीद आ मैनूं तुहानूं हर जानकारी मिल गई होगी। जे तुहानूं नहीं पता लग्गिया हाले भी कोई सवाल रह गए तां तुसीं मैनूं कमेंट करके पुछ सकदे हो। सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।